करते रहिए। अल्लाह जब के किसी को आगे बढ़ाता है तो कोई रोकने वाला पैदा नहीं होता। इसलिए अगर अभी वाकई में फिलिस्तीन को देखिए, एक तरफ पूरा दुनिया का मुल्क एक तरफ है और फिलिस्तीन अकेला एक तरफ है, उसके बाद भी मर रहे हैं, उसके बाद भी शहीद हो रहे हैं, जमीन पे गिर रहे हैं, मगर उनके दिल से यही और जबान से आवाज निकल रही है, देखो मुजाहिद जो होता है गिरने के बाद ही जमाने पे भारी पड़ता है। तुम फिलिस्तीनियों को गिरते हुए मुजाहिद मत समझना, वो एक गिरा है तो सौ को पैदा करके आगे बढ़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे फैजाने ख्वाजा अकबर नवाज, जश्न ईद मिलाद नबी, मुअसरार साहब क़िबला, फिलिस्तीन का मुसलमान क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी भी बैतुल मुक़द्दस किसी का है ना हुआ है ना होगा, इसलिए कि हमारे पैगंबरों ने बैतुल मुकद्दस के अंदर नमाजें पढ़ी है। बैतुल मुकद्दस कल भी मेरा था, मेरा है, कयामत तक मेरा रहेगा। बेशक 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 इंशाअल्लाह। अगर एक भी गुलामा ने मुस्तफा और हुसैन के चाहने वाला गुलाम इस दुनिया में रहेगा तो बैतुल मुकद्दस पे यहूदियों का कब्जा नहीं रहेगा बल्कि नबी के गुलामों का कब्जा रहेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के गुलामों का कब्जा रहेगा। इसीलिए तो किसी बड़े अच्छे अंदाज में किसी शायर ने कहा है कि मेरे सरकार का चर्चा मकां से ला मकां तक है। चाहता हूँ मेंबरे रसूल पे बैठे हुए उलमाए किराम मौलाना हामिद रजा साहब मिसबाही और जनाब अब्दुल वारी साहब, जनाब अरे नदीम रजा फैजी साहब और जनाब मुमताज रजा सलमी साहब, बड़ी आन बान शान के साथ में बैठे हुए हैं और माशाल्लाह इनकी भी आवाज बड़ी बेहतरीन है। किसी शायर ने ये बड़े अच्छे अंदाज में मेरे सरकार का चर्चा मकां से ला मकां तक है, कोई समझे भला कैसे कि हद उनकी कहां तक है और जमीन से आसमां तक है, मकां से ला मकां तक है, रसूल पाक की रिफात खुदा जाने कहां तक है। अरे जिस रसूल की रिफात का आलम ये है कि उनकी रिफात ना जाने कहां कहां है, उस बैतुल मुकद्दस पे कब्जा हम ही लोगों का था, हम लोगों का है और कयामत तक हम लोगों का कब्जा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। खुदा की सारी खुदाई नजर में रखता था, खुदा की सारी खुदाई नजर में रखता था, वो नूरी जिस्म लिबासे बशर में रखता था, गदा को अपने बनाता था बादशाह मगर चटाई टूटी हुई अपने घर में रहा। वाह 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 सुभान अल्लाह। गुलाम है हम जो हमारे नबी मेरे आका मेरे सरकार मेरे पैगंबर जो अपने सोने के लिए वो खजूरों की छाल पे सोए टूटी हुई चटाई पे बैठे उसी नबी के उम्मती हैं, क्यों नहीं हम अपने नबी पे फख्र करें। अरे हमें ने तो नबी ने ऐसा अता किया है, ऐसा अता किया है कि गौसे आजम दिया, महबूबे इलाही दिया, गरीब नवाज दिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिया, चिराग दिल्ली दिया, हुजूर साबिरे कलियरी दिया, और क्यों ना फख्र करें। ऐसा दिया, ऐसा दिया, जब ईमान जाने लगी तो इमाम अहमद रजा खान, इमाम अहमद रजा खान दे दिया। बहुत खूब, बहुत इमाम अहमद रजा खान दे दिया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की कसम कि शेर कभी भी आला हजरत का गुलाम किसी से दबा है ना दबेगा। वाकई में वो फिलिस्तीन बैतुल मुकद्दस यहाँ होती तो दिखा देते कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की अकीदत क्या है। जबकि इतनी दूर पे मोहब्बत ये है तो जब वहां होते तो क्या होता। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों मुसलमानों,
अपने ईमान को जगाओ, तैयार हो जाओ। हर तरफ से तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम की एक ढाल बनकर लोग पीछे पड़ रहे हैं। अब नहीं तैयार होगे तो कब होगे? इसलिए कि जब तुम तैयार होगे तो कल भी हमारा मैदान था, आज भी मैदान मेरा है और कयामत तक मेरा ही मैदान है। उर्से रजवी में आज से करीब 12 साल पहले एक शेर मैंने लिखा था। वाह, उस वक्त बरेली 1995 की ये शेर है। अंदाजा लगा दिए, जोड़ करके गणित नहीं करूंगा, जानगा 1995 से पहले का ये शेर है। वो कौन वाला शेर है कि झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। तो मैंने उस पे कलाम लिखा था, दोनों आलम में है सोहरा मेरे आका तेरा। वाह 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 वाह। अफ्ताब आलम साहब गया से हजरत अल्लामा बहुत दुआओं से नवाज रहे हैं। हैं दोनों आलम में है सोहरा मेरे आका तेरा, दिल की दुनिया पे हुकूमत तेरी कब्जा तेरा, और चमने दहर में हर फूल है सैदा तेरा, बागे फिरदौस में हर वक्त है चर्चा तेरा, और माहे तैबा तेरे अनवार का आलम ये है, चांद भी देख के शर्माता है तलवार तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तलवार तेरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना असरारुल हक साहब क़िबला, नारे तकबीर। माहे तैबा तेरे अनवार का आलम ये है, चांद भी देख के शर्माता है तलवा तेरा। और मक्ते का शेर, वक्त बहुत कम लेते हुए अब आपका मिजाज एकदम ठीक हो गया है, और एक मर्तबा आप अपने हाथों को लहरा करके आसमान के तरफ कहिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, एकदम अब एकदम इसी मिजाज में और इसी मूड में बैठिएगा। और आखिरी शेर आपके हवाले कर रहा हूँ कि कल्बे रौनक को उस वक्त तसल्ली होगी। वाह 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 वाह। अरे कल्बे रौनक को उस वक्त तसल्ली होगी, देखेगा आंखों से जब गुम्बदे खजरा तेरा, देखेगा आंखों से जब गुम्बदे खजरा तेरा, कि दोनों आलम में है सोहरा मेरे आका तेरा, दिल की दुनिया पे हुकूमत तेरी कब्जा तेरा, और चमने दहर में हर फूल है सैदा तेरा, बागे फिरदौस में हर वक्त है चरता तेरा। अब इसी के साथ जनाब कारी शम्स तबरेज साहब अब माइक पे तशरीफ लाएंगे। निजाम कैसे चलाना है, किस शायर को बुलाना है, किस खतीब से खिताबत करवाना है, किस मुकर्रर को बुलाना है, किस मेहमान को बुलाना है, अब यही अब तय करेंगे, अब यही अपना अब एक मिजाज आप तक पहुंचाएंगे। अब इसी के साथ तौबा अस्तगफिरुल्लाह, रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी वा तूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम।